का नाम मस्तान तस्कर, किस चीज की करता था तस्करी? क्या मस्तान हो सकता है रॉकी से मिला हुआ? हेलो गाइस, मैं हूं अपर्णा सिन्हा एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली गुड 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 बेट अ बेस्ट। और हमें हमेशा बेस्ट ही रहना चाहिए। और आज एक बार फिर से मेरे हाथ लग चुकी है KGF 3 मूवी से जुड़ी कई सारी इंटरेस्टिंग बातें। तो बस देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पिछली वीडियो में हमने रॉकी और हाजी मस्तान के बारे में बात की थी कि कैसे दोनों की मुलाकात KGF 3 में हो सकती है और रॉकी के पीछे हाजी मस्तान जैसे फेमस और ताकतवर लोगों का हाथ हो सकता है जिसने रॉकी को इंडिया से बाहर जाने का रास्ता बताया था, क्योंकि हाजी मस्तान के कॉन्टैक्ट बाहर तक थे। बता दें, हाजी मस्तान मिर्जा का जन्म तमिलनाडु में 1 मार्च 1926 को हुआ था। उसके पिता हैदर मिर्जा एक गरीब किसान थे। उनका परिवार आर्थिक रूप से काफी कमजोर था। कई बार घर में खाने के लिए भी पैसे नहीं होते थे। घर का गुजारा बड़ी मुश्किल से होता था। इसी परेशानी में हैदर नए काम के लिए शहर जाना चाहते थे, लेकिन घर की परेशानी की वजह से वो घर नहीं छोड़ पाते थे। मुंबई आए हुए उन्हें 10 साल बीत चुके थे। हालात अभी भी पहले से बेहतर नहीं थे। इसी बीच मस्तान की मुलाकात मुंबई में गालिब शेख नाम के एक शख्स से हुई। उसे एक तेज तरार लड़के की जरूरत थी। उसने मस्तान को बताया कि अगर वो डॉक पर कूली बन जाए तो वो अपने कपड़ों और थैलों में कुछ खास सामान छिपा कर आसानी से बाहर ला सकता है, जिसके बदले उसे पैसे मिलेंगे। इसके बाद मस्तान ने 1944 में डॉक में कूली के तौर पर काम करना शुरू कर दिया। वो मन लगाकर काम करने लगा था। इस दौरान वहाँ डॉक पर काम करने वालों से मस्तान ने दोस्ती करना शुरू कर दिया। वो वहाँ आने जाने वालों से भी दुआ और सलाम करने लगा था। दरअसल 40 के दशक में विदेश से जो लोग इलेक्ट्रॉनिक सामान, महंगी घड़ियाँ या सोना चांदी और गहने लेकर आते थे, उन्हें उस सामान पर टैक्स की शक्ल में बड़ी रकम अदा करनी पड़ती थी। यही वजह थी कि डॉक पर तस्करी करना एक फायदे का सौदा था। गालिब की बात मस्तान की समझ में आ चुकी थी। उसने उस मौके को हाथ से जाने नहीं दिया और गुपचुप तरीके से वो तस्करों की मदद करने लगा। तस्कर विदेशों से सोने की बिस्किट और अन्य सामान लेकर मस्तान को देते थे और वो उसे अपने कपड़ों में और थैलों में छुपाकर डॉक से बाहर ले जाता था। कूली होने के नाते कोई उस पर शक भी नहीं करता था। इस काम की एवज में मस्तान को अच्छा खासा पैसा मिलने लगा था। डॉक पर काम करते करते मस्तान की जिंदगी बेहतर होने लगी थी। तस्करों की मदद करने से उसे खासा फायदा हो रहा था। 1950 का दशक मस्तान मिर्जा के लिए मील का पत्थर साबित हुआ। 1956 में दमन और गुजरात का कुख्यात तस्कर सुकुर नारायण बखिया उसके संपर्क में आ गया। दोनों के बीच दोस्ती हो गई। दोनों साथ मिलकर काम करने लगे। उस वक्त सोने के बिस्किट, फिलिप्स के ट्रांजिस्टर और ब्रांडेड घड़ियां की बहुत मांग थी, मगर टैक्स की वजह से भारत में इस तरह का सामान लाना बहुत महंगा पड़ता था। लिहाजा दोनों ने मिलकर दुबई और एडन इस सामान की तस्करी शुरू की, जिसमें दोनों को खासा मुनाफा हुआ था। दोनों का काम बढ़ता गया और मस्तान की जिंदगी भी अब बदल चुकी थी। मामूली सा कूली मस्तान अब बाहुबली माफिया मस्तान भाई बन चुका था। यूं तो पहले मुंबई में वर्धराजन मुदलियार उर्फ वर्धा का नाम चलता था, लेकिन वो माफिया डॉन जैसी छवि नहीं बना पाया था। कुछ समय बाद वर्धा वापस चेन्नई चला गया। अब मुंबई अंडरवर्ल्ड की दुनिया में सिर्फ एक नाम था, मस्तान भाई यानी हाजी मस्तान। 1970 का दशक आते आते मस्तान मुंबई में अपनी अलग पैठ बना चुका था। उसने 10 साल के भीतर मुंबई में एक बड़ा मुकाम हासिल कर लिया था। समुद्र में उसका राज चलने लगा था। मस्तान जैसा बनना चाहता था वो उससे भी ज्यादा बन गया था। अब वो अमीर भी था और ताकतवर भी। उसे सफेद डिजाइनर सूट पहनने और मर्सिडीज की सवारी करने का बहुत ही शौक था। उसके हाथ में हमेशा विदेशी सिगरेट और सिगार दिखाई देते थे। ऐशो आराम उसकी जिंदगी का शगल बन चुका था। मुंबई अंडरवर्ल्ड के राजा कहे जाने वाले हाजी मस्तान मिर्जा का बॉलीवुड से बेहद लगाव था। मुंबई के पुराने लोग बताते हैं कि हाजी मस्तान बॉलीवुड अभिनेत्री मधुबाला का दीवाना था। वो उसे शादी करना चाहता था, मगर हालात के चलते ऐसा नहीं हो सका। फिर मधुबाला जैसी दिखने वाली मूवी अभिनेत्री सोना मस्तान को भा गई और मस्तान ने उन्हीं के साथ शादी भी रचाई। मस्तान ने सोना के लिए कई फिल्मों में पैसा लगाया, लेकिन उनकी फिल्में नहीं चल सकी। बताते हैं कि दिलीप कुमार, अमिताभ बच्चन, राज कपूर, धर्मेंद्र, फिरोज खान और संजीव कुमार जैसे बॉलीवुड सितारों से हाजी मस्तान की दोस्ती थी। कई बड़ी बॉलीवुड हस्तियां अक्सर उनके बंगले पर दिखाई दिया करती थी। मुंबई में हाजी मस्तान मिर्जा का नाम इतना बड़ा बन चुका था कि पुलिस और कानून उसके लिए मायने नहीं रखता था।
1974 में जब पुलिस ने पहली बार हाजी मस्तान को गिरफ्तार किया तो उसे एक वीआईपी की तरह तमाम सुविधाएं दी गई थी। उसे हवालात में न रखकर एक बंगले में नजरबंद रखा गया था। खाने के लिए बेहतरीन इंतजाम किए गए थे। उसकी खातिरदारी के लिए हर जरूरत का ख्याल रखा गया था, जिसकी मस्तान को चाह थी। पुलिस वाले भी उसे सलाम करते थे। मस्तान भी पुलिस वालों के काम आता था। उन्हें महंगे उपहार देना उसकी आदत में शामिल था। अगर कोई अफसर उसका कहा नहीं मानता तो वो उसका तबादला करा देता था। देश में आपातकालीन लगने से पहले की बात है, देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को भी मस्तान की खबरें मिलती रहती थी। मस्तान के बढ़ते प्रभाव से इंदिरा भी परेशान थी। उनके आदेश पर मस्तान मिर्जा को उस वक्त पुलिस ने गिरफ्तार करने की कोशिश की, मगर वो पकड़ नहीं आया। लेकिन आपातकालीन लगने के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया और वो पहला मौका था जब हाजी मस्तान को बाकायदा जेल जाना पड़ा था। बस यहीं से मस्तान की जिंदगी बदलने वाली थी। जेल में मस्तान की मुलाकात जेपी से हुई। उनके संपर्क में आने के बाद मस्तान पर खासा प्रभाव पड़ा। जब 18 महीने जेल में रहने के बाद हाजी मस्तान बाहर आया तो उसके इरादे बदल चुके थे। उसने जुर्म की दुनिया को अलविदा कहने का मन बना लिया था। आपातकालीन के दौरान जेल जाने के कुछ दिन बाद ही हाजी मस्तान ने तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को अपनी रिहाई के लिए बड़ी रकम ऑफर की थी, लेकिन इंदिरा गांधी ने उसके ऑफर को ठुकरा दिया था। आपातकाल के बाद जब जनता पार्टी की सरकार बनी तो हाजी मस्तान सहित करीब 40 बड़े तस्करों को माफी मिल गई थी। दरअसल इमरजेंसी लगने से पहले मस्तान ने कई नेताओं को पुलिस से बचाने और भागने में मदद की थी, इसलिए जनता पार्टी की सरकार ने उसके प्रति नरम रवैया अपनाया था। आखिरकार 1980 में हाजी मस्तान ने जुर्म की दुनिया को अलविदा कहकर राजनीति का रुख कर लिया। 1984 में महाराष्ट्र के दलित नेता जोगेंद्र कावड़े के साथ मिलकर खुद की पार्टी दलित मुस्लिम सुरक्षा महासंघ बनाई। आगे चलकर 1990 में इसका नाम बदलकर भारतीय अल्पसंख्यक महासंघ पर दिया गया। बॉलीवुड के सुपरस्टार दिलीप कुमार ने सियासी पार्टी का खूब प्रचार किया। वे पार्टी के कई कार्यक्रमों में दिखाई देते थे। हाजी मस्तान की इस पार्टी ने बाद में मुंबई, कोलकाता और मद्रास के निकाय चुनाव में भागीदारी की। बताया जाता है कि चुनाव में भले ही पार्टी को कामयाबी नहीं मिली, लेकिन इस चुनाव में काले धन का जमकर इस्तेमाल हुआ था। वहीं से चुनाव में भारी पैसा खर्च करने का शगल शुरू हुआ था। हाजी मस्तान मुंबई अंडरवर्ल्ड का सबसे ताकतवर डॉन था, लेकिन इस शक्तिशाली डॉन ने अपनी पूरी जिंदगी में किसी की जान नहीं ली, किसी पर हमला नहीं किया, यहाँ तक कि एक भी गोली नहीं चलाई। बावजूद इसके हाजी मस्तान जुर्म की काली दुनिया में सबसे बड़ा नाम था। उस दौर में उसके नाम की तूती मुंबई में ही नहीं बल्कि पूरे महाराष्ट्र में बोलती थी। हाजी मस्तान जिंदगी भर मुंबई में लोगों की मदद भी करता रहा। उसने अपना आखिरी वक्त अपने परिवार के साथ बिताया, जिसमें पत्नी और उसका गोद लिया बेटा शामिल था। और 1994 में हार्ट अटैक से हाजी मस्तान की मौत हो गई थी। आज भी मुंबई में उसके किस्से सुनने को मिल जाते हैं। तो ये थी हाजी मस्तान की कहानी, जिसे सुनकर कहीं चांसेस है कि वो रॉकी से मिला हुआ हो सकता है। रॉकी के पास यही हिडन ताकत हो सकती है जिसकी वजह से वो मॉन्स्टर बना। आपको क्या लगता है, क्या KGF 3 में ऐसा कुछ दिखाया जा सकता है? हमें कमेंट में जरूर बताएं। सो गाइज, अगर आपको आज का इन्फॉर्मेशन यूजफुल लगा हो या वीडियो किसी भी रीजन से पसंद आया हो तो वीडियो को डू लाइक, और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर देना। साथ ही साथ ये भी बताना कि नेक्स्ट वीडियो आप किस मूवी पर देखना चाहते हो। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे ब्लेस्ड।